नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही स्मार्ट किचन चैनल पे और बिल्कुल चलते हैं किचन में। और जैसा कि दोस्तों हमारी साउथ इंडियन सीरीज चली हुई है, तो बिल्कुल बहुत से मेरे बहन भाई पूछ रहे थे कि मैम इनकी मिक्स वेजिटेबल बना के दिखाओ। तो बिल्कुल दोस्तों, साउथ इंडिया में तो हम है नहीं खैर, लेकिन फिर भी एक बहुत बढ़िया उसी फ्लेवर वाली साउथ इंडियन मिक्स वेजिटेबल ये लोग कैसे बनाते हैं, तो वो एक बार आप देख लेना। क्योंकि दोस्तों इसमें एक वेरिएशन है, कुछ लोग तो इसको बॉईल करके बनाते हैं, वो चट्टी टाइप से होती है ना, जो मिट्टी की मटकी। और कुछ लोग दोस्तों मॉडर्न लोग जो हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं आजकल साउथ इंडिया में, वो थोड़ा सा इसको फ्राई करके बनाते हैं, हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और दूसरा फ्लेवर तो फिर अच्छा निकल के आता ही आता है। तो सब्जी आपकी अपनी मनपसंद होगी, जो भी जिस मौसम में भी आप बना रहे हो, जिस भी मौसम में आपके जो भी सब्जियां अवेलेबल हों, आप वो वाली सब्जियां ले लें। फिलहाल मेरे पास जो भी अवेलेबल थी मैंने ले ली, और आलू मैंने बॉईल करके लिए ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए, क्योंकि कच्चे आलू जब हम लेते हैं थोड़ा सा फ्राई होने में उनको टाइम लगता है। और मसाला दोस्तों इसमें बहुत सिंपल लेते हैं वो लोग, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लेते हैं और टमाटर और मिर्च लेके पीस लेते हैं, उसको पेस्ट बना लेते हैं। और सब्जियां फिलहाल मैं जो बता रही हूँ, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो कॉलीफ्लावर भी इसमें बड़ा अच्छा लगता है और भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जिस टाइम मैं बना रही हूँ ना, अब उस टाइम बरसात का मौसम है दोस्तों, और कॉलीफ्लावर इतनी अच्छी नहीं आई हुई है। फिर आपको पता है उसमें कुछ कुछ होता है, वॉर्म्स वगैरह होते हैं, फिर मन नहीं करता। तो फिलहाल यही फ्रेश वेजिटेबल्स जो मुझे अच्छी लगी, तो इनसे ही हम अब अपनी मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में। तो पहले हल्का हल्का सा मैंने इनको धो के वॉश करके पूछ के अच्छे से काट लिया था, तो बड़े आराम से बैठ के, क्योंकि काटना तो दोस्तों आपके अपने मनपसंद पे है, किस भी शेप में आप काट सकते हैं इसको, लेकिन हो सके तो थोड़ा सा बड़ा साइज काटना, चाहे आप क्यूबिकल शेप में काटें, चाहे आप इसको जूलियंस में काटें, तो थोड़ा सा आपने बड़ा साइज लेना है काटने के तौर पे, ताकि क्योंकि हम जब फ्राई करें तो एकदम से वो सब्जी सिकुड़ ना जाए, तो बड़ा अच्छा सा टेक्सचर निकल के आए। तो भिंडी काटते वक्त मैंने इसके बीच में कट मार दिया था, ताकि जो हम ग्रेवी बनाएंगे या मसाला मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे वो इसके अंदर तक जा सके। तो बस धीरे धीरे एक एक जैसी सब्जियां डाल के मैं जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि एक जैसी सब्जियों का दोस्तों कुकिंग टाइम या फ्राई करने का टाइम जो है वो सेम सा ही होता है, फिर दिक्कत नहीं होती कि कोई सब्जी पकी होगी या कोई सब्जी कच्ची होगी। तो ये देखिए एक तरह से की सब्जियां हैं, ये शिमला मिर्च होगी, बेबी कॉर्न्स हो गए और बीन्स होगी अपनी, एक जैसी सी हैं ये, इनको एक जैसा टाइम लगता है, भिंडी को एक जैसा लगता है। और इस बीच जब वो फ्राई हो रही है हमारी सब्जियां, हम मैरिनेशन के लिए एक हल्का सा बैटर तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो सब्जी है मिक्स वेजिटेबल की बिल्कुल ड्राई ड्राई सी ना लगे और एक बहुत अच्छा सा उसमें फ्लेवर आए और खाने में भी टेस्टी लगे। तो ये मैंने ले ली है दोस्तों कर्ड, और इस वक्त दोस्तों आप जो बहुत गाढ़े वाला एक कोकोनट मिल्क आता है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि हम तो नॉर्थ इंडिया में दोस्तों, साउथ इंडिया में तो बड़े आराम से मिल जाता है, तो मैं कर्ड में ही आपको बना के दिखा रही हूँ, ताकि ऐसे नारियल के दूध वाली आपको दिक्कत ही ना आए अगर आप किसी और स्टेट में बना रहे हो। तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दही है, इसमें मैंने सौंफ डाला है दोस्तों, धनिया पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है थोड़ा सा, और लाल देगी मिर्च डाली है जिससे कि कलर अच्छा आए, हल्दी डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है। और इस वक्त दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे सब्जियां फ्राई होती है ना, उसमें मसाला डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन आप इस तरह से वेट मसाला डाल के अगर छोड़ते हैं तो एक बहुत अच्छा मैरिनेशन तैयार होता है, तो अंदर तक सब्जियों के मॉइस्चर चला जाता है, ये बहुत अच्छे फ्लेवर वाला। तो बस लास्ट में बस आलू रह गए थे, वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं इस तरीके से गोल्डन फ्राई, और फिर हम अपना ये जो मैरिनेशन का हमने तैयार किया है एक बैटर सा, वो भी हम इसमें मिला लेंगे। तो बस ये सारे के सारे आलू भी आ गए हैं अब, और अब ये मसाला हम मिक्स करके छोड़ देंगे। और जो मैंने टमाटर की एक पतली सी ग्रेवी बनाई थी दोस्तों, उसका ये फायदा होता है कि जो हमारी सब्जियां है ना एकदम से ड्राई नहीं रहती, हल्का सा मतलब मॉइस्ट सा मसाला हमने वो वाला बनाना होता है। और इसको अब हम सारी सब्जियों में मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि अच्छे से मसाला और इसका जो मॉइस्ट कर जाए। तो
बस अब मैं इसकी मदद से बड़ा हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ना सारी सब्जियाँ पक गई हैं तो वो टूटने भी ना पाए और अच्छे से मसाला इनमें मिक्स हो जाए। क्योंकि दोस्तों फिर वो सब्जियाँ टूट जाती हैं, फिर वो ऐसे ही हलवा सा बन जाएगा, नहीं तो वो देखने में फिर अच्छी नहीं लगेंगी, खाने में तो चलो फिर भी टेस्टी लगेंगी, तो देखने में भी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करके छोड़ देना है। बस अब इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर हम ढक के रख देते हैं। और इतने जो हमने अपने वो टमाटर वाला मिर्ची वाला पेस्ट तैयार किया था उसको कढ़ाई में डाल के इसका एक अच्छा सा पतली सी ग्रेवी बना लेते हैं बिल्कुल। तो बस इसका जो ज़्यादा वाला ऑयल था वो मैंने निकाल दिया, जितना मुझे थोड़ा सा रखना था बस मैंने वही रखा है। बस अब जैसे अपना छोंक लगाते हैं सब्जी में वैसे ही करना है। ऑलमोस्ट मसाले हमने डाल दिए, लेकिन फिर भी एक बढ़िया सा कलर देने के लिए ना हल्के हल्के से थोड़े से मसाले हम और डाल देंगे, बस वही सारे मसाले। इसमें लाल देगी मिर्च आ गई है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब भी आप इस तरह की डिशेस बनाएं या फ्राई करें तो मोटी तले वाली कढ़ाई लें, चाहे आपके पास वो लोहे की कढ़ाई हो या नॉनस्टिक कढ़ाई हो। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर हम बहुत हल्की सी एल्यूमिनियम वाली कढ़ाई ले लेते हैं तो उसमें लगने का भी डर रहता है, और ना तो उसमें हमारी सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो पाती हैं, और जब हम इस तरह से सब्जी को बनने के लिए छोड़ते हैं तो वो भी बहुत जल्दी से नीचे नीचे चिप भी जाती हैं, और मतलब वो अच्छा सा कलर नहीं आ पाता जो कि हम एक पकने वाला टाइम एक सब्जी को देना चाहते हैं। तो ये बहुत मोटे तले वाली कढ़ाई है, इसमें बड़े आराम से स्टीम में ये सब्जी पकेगी, क्योंकि हमने इसमें इतनी सारी फ्लेवर्स डाले हैं। और बस ये हल्के से मसाले इसमें डाल के और अपनी ये पतली सी ग्रेवी डाल देनी है। और ये पतली इसलिए बनानी है दोस्तों इस वक्त, क्योंकि फिर ये सारी सब्जियाँ ना बहुत मॉइस्ट हो जाएंगी और सारा का सारा ये जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो बस ये देखिए बस इसको हल्का सा पकने देते हैं, और अपनी सारी की सारी सब्जियां जो हमने मैरिनेशन के लिए रखी हुई थी वो सारी इस कढ़ाई में डाल देंगे। बस थोड़ा सा यही ध्यान देना जो मैंने आपको बताया कि साउथ इंडियन चीज़ को पकने में ना दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें ऐसे बर्तन लेने होते हैं कि जो कि थोड़े से हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें और बहुत स्लो स्लो उस चीज़ तक पहुँचाएँ। तो ये देखो आप कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, ना ये ज़्यादा गाढ़ी है, क्योंकि अगर हम गाढ़ी लेते ना फिर वो एकदम से क्या होता सब्जियों पे लिपट जाती, और वो मैरिनेशन के लिए हमने मसाला पहले लिपटा रखा है फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। और अभी हमें ये सब्जियाँ थोड़ी सी मॉइस्ट करनी है, जैसा कि वहाँ पे चट्टी वगैरह में ना चूल्हों वगैरह पे मट्टी के उस पर रख देते हैं बनने के लिए, और बहुत धीमी आँच में उनकी पकती रहती है। और कोकोनट मिल्क दोस्तों आप घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपके पास कच्चा नारियल है ना उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको आप पीस के ना उसको छान के जो वो नीचे फिर वो निकलेगा वो आपका कोकोनट मिल्क होगा, तो उस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल से ही साउथ इंडियन वाला स्टाइल देना चाहते हैं तो ये भाई अब इस सब्जी अपनी वैसे तैयार है, लेकिन ये मॉइस्चर आप देख रहे हो अब धीरे धीरे ये सारी सब्जी इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर आएगी आपके पास एक बढ़िया सी सब्जी निकल के। तो उसके लिए हमें इसको ढक के 15-20 मिनट पकाना होगा। तो बस अब 15-20 मिनट हो गए, ये देखो कितनी अच्छी सब्जी बन गई अपनी, है ना, कोई मॉइस्चर नहीं अब इसमें ज़्यादा, और ऑयल भी हल्का हल्का सा छूट गया साइड में से, इसका मतलब हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब दोस्तों वो लोग इसकी मैरिनेशन कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कोकोनट ग्रेट करके इसके ऊपर डाल देते हैं जिससे कि बिल्कुल साउथ इंडियन फ्लेवर आता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे नारियल इतनी मात्रा में होता है कि उनकी हर चीज़ में ही नारियल मिलेगा आपको, या तो कोकोनट मिल्क वो यूज़ करते हैं या फिर इस तरह से ग्रेट करके डाल देते हैं, तो ज़्यादातर डिशेज़ में ना उनकी कोकोनट रहता ही रहता है। तो ऊपर से हम भी जो हमारे पास फ्रेश कोकोनट है वो डाल देते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही बन गई है हमारी भी जैसे कि साउथ इंडिया वाले बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और पीछे दोस्तों जो मैंने डोसा बनाना चटनी बनाना और जो मसाले वाला जो डोसा होता है उसका जो हम फिलिंग भरते हैं स्टफिंग कह दो तो वो बनानी सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो एक बार अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाके देख लेना।
तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, कोई कमी रह गई हो तो वो भी बता देना। तो बस दोस्तों, इसी तरह से अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें। अगर नहीं आते तो स्मार्ट किचन चैनल पे एक बार देख के बनाएं। तो बस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स।